हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट कैनाल कॉन्फ़िगरेशन की या फिर रूट कैनाल एनाटॉमी जिसे हम बोलते हैं, इसकी हम बात करेंगे। जनरली बहुत सारे क्लासिफिकेशंस के हैं और जनरल क्लासिफिकेशन में इसका चार टाइप बताया गया है, चार टाइप के कैनाल एनाटॉमी बताई गई है। हम अभी समझेंगे वर्टुचीज़ क्लासिफिकेशन, जिसमें 8 टाइप के रूट कैनाल एनाटॉमी बताई गई है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है पूरा समझने के लिए, कैसे इसको याद करना है इजीली वो भी हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप चाहें तो इजी डेंटिस्ट्री को एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए इसको समझते हैं। अभी हम एनाटॉमी देखेंगे, इसके पहले हमें जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे याद करना है उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो ऐसा हमारा टूथ होता है, ये हमें पता होना चाहिए क्या है। तो इसको हम बोलते हैं पल्प चैम्बर, ये हमारा पूरा पल्प है, जनरली ये पता होता है। ये है, इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल, और यहां से यहां तक पल्प चैम्बर और रूट कैनाल मिलकर इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल सिस्टम। और यहां पर जो होता है, जहां पर लीव करती कैनाल, ये होता है एपाइकल फोरामेन, और यहां पर लेटरल फोरामेन या फिर एसेसरी फोरामेन हम इसको बोल सकते हैं। जनरली हमें पता होना चाहिए कि ये रूट कैनाल है, पल्प चैम्बर है, और पूरा हम इसको बोलते हैं रूट कैनाल सिस्टम। तो अब आ जाते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन को समझते हैं, इसको याद कैसे करना है मैं भी आपको बताता हूँ। तो पल्प चैम्बर से कितनी कैनाल निकल रही है वो हमें याद रखना है, और एपाइकल फोरामेन में कितनी ओपनिंग है, कितना कैनाल लीव कर रही है, लास्ट में कितना कैनाल है, वैसे हम इसको याद रखेंगे। मान लीजिए एक कैनाल पल्प चैम्बर से निकल रही है तो हम उसको एक लिखेंगे, और अपेक्स में अगर दो ओपनिंग है, दो फोरामेन है, तो हम उसको ऐसा 1-2 लिखेंगे। ऐसा हम सभी में देखेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो 8 टाइप के हैं, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 2, 3, 5, 6, 7 और लास्ट 8। तो इसमें जो 1, 4 और 8 है, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। मतलब कि पल्प चैम्बर से एक कैनाल निकलती है और एपाइकल फोरामेन तक एक ही कैनाल पहुंचती है, तो इसको 1 आपको याद रखना है। फोर्थ वाले के लिए इसमें 2 कैनाल निकलती हैं, अलग अलग कैनाल्स इसमें निकलती हैं, और एंड में 2 कैनाल्स निकलती हैं, फोरामेन में 2 कैनाल्स पहुँचती हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, ये आपको याद रखना है। वैसे ही 8 में इजी है, 3 कैनाल्स इससे लीव करती हैं, पल्प चैम्बर से लीव करती हैं, और लास्ट तक 3 कैनाल्स होती है, 3 ओपनिंग होती है, इसलिए 3 इसके लिए याद रखना है आपको। चलिए इसको आप कंटिन्यूस समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एक कैनाल लीव करेगी पल्प चैम्बर को और फोरामेन में एक कैनाल पहुंचेगी। अब सेकेंड वाला देखिए, पल्प चैम्बर से 2 कैनाल्स निकलेंगी और लास्ट में फोरामेन में एक कैनाल निकलेगी, तो इसके लिए 2 कैनाल्स निकल रही हैं और एक पहुंच रही है, तो 2-1, ये आपको याद रखना है, ये इसकी एनाटॉमी है। थर्ड है, पल्प चैम्बर से एज अ 1 कैनाल निकलेगी, एक कैनाल की तरह ये निकलेगा, फिर बॉडी ऑफ रूट में जाकर 2 कैनाल्स हो जाती हैं, और एंड में एक ही कैनाल होगी, जो एपाइकल फोरामेन है वो एक ही होगा। तो एक कैनाल जैसे निकल रही है इसलिए 1, बॉडी ऑफ रूट में 2 हो जा रही हैं 2, और लास्ट में एक ही फोरामेन है, तो 1-2-1 इसके लिए आपको याद रखना है। आगे इसको हमने समझ लिया, इजी है, 2 कैनाल्स निकलेंगी और लास्ट में 2 फोरामेन है, तो 2 इसके लिए याद रखना है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर। तो एज अ 1 कैनाल इससे पल्प चैम्बर से लीव करेगी एक कैनाल की तरह, और 2 फोरामेन होंगे, लास्ट में जाकर डाइवर्स हो जाएगी, 2 होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा 1-2, ये आपको याद रखना है।
इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इसको देखकर ही समझ जाते हैं कि कितनी कैनाल लीव कर रही हैं और एपेक्स तक कितनी कैनाल जा रही है, एपेक्स में जाने पर कितनी कैनाल हो जाती है। चलिए आगे समझते हैं। सेवंथ, तो इसमें आप देख रहे हैं पल्प चैम्बर से दो कैनाल निकल रही हैं, दो कैनाल लीव कर रही हैं। इसके बाद बॉडी ऑफ रूट में कैनाल मर्ज हो जाती हैं और लास्ट में दो ओपनिंग्स होती है, एपेक्स में दो ओपनिंग्स होती है। मतलब आप रिपीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दो कैनाल्स निकल रही हैं तो टू, मिड में मिल जाती हैं इसलिए वन, और लास्ट में दो है इसलिए फिर से टू। तो टू वन टू, सिक्स के लिए फॉर्मूला टू वन टू। आगे चलते हैं सेवन्थ में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस कैसे आपको समझना है, तो चलिए देखते हैं। एज अ वन कैनाल लीव कर रही है चैम्बर से इसलिए वन, यहाँ पर डाइवर्ज होकर दो कैनाल हो जाती हैं तो टू, और यहाँ पर फिर से मर्ज हो जाती है कैनाल इसलिए वन, और लास्ट में आप देखेंगे दो ओपनिंग से लास्ट में जाके कैनाल डाइवर्ज हो जाती है तो टू, वन टू वन टू। तो ये इसका फॉर्मूला है, इससे आप याद रख सकते हैं। और जो एट्थ है वो हमने अभी समझा, तीन कैनाल्स निकलती हैं वन टू थ्री और फोरामेन तक तीन कैनाल्स जाती हैं वन टू थ्री, इजी है। तो ये है इसका जनरल फार्मूला, ऐसा हम इसको याद कर सकते हैं। वर्टुचीज क्लासिफिकेशन ये है, तो इजीली याद करने के लिए आपको फार्मूला याद रखना है। इसमें वन, सेकेंड में टू वन, इसके बाद वन टू वन, फोर्थ में टू, फिफ्थ में वन टू, सिक्स में टू वन टू, और जो सेवन्थ है इसमें ही चार टाइप हैं वन टू वन टू, एक निकलती है दो हो जाती है फिर से एक, और लास्ट में फिर दो कैनाल्स हो जाती है वन टू वन टू, और लास्ट इजी है तीन। तो ये फॉर्मूला से आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है कि ये फॉर्मूला हम कैसे दे रहे हैं, कैनाल कितनी लीव कर रही है चैम्बर से और लास्ट में कितने कैनाल्स जाती है उसके अकॉर्डिंग। बहुत ईजी है, इसको आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीन शॉट लेकर आप इसका रख सकते हैं, ईजीली आपको याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें इजी डेंटिस्ट्री। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।